नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत का एक खूबसूरत हिस्सा जो सुंदरबन के नाम से जाना जाता है उसका मैं वर्चुअल टूर कराऊंगा। सुंदरबन कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी का ही हिस्सा है। सुंदरबन बेहद खूबसूरत और गंगा ब्रह्मपुत्र की नदी के मेल से बना हुआ डेल्टा। सुंदरबन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश के पास है और जो हिंदुस्तान में है उसमें करीब 102 टापू हैं। इसमें से 48 टापू ऐसे हैं जिस पे जनजीवन है और करीब 54 टापू ऐसे हैं जहाँ पे जंगली जानवर और रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं। इन्हीं 48 टापू में से एक टापू पर रहने का हमें सौभाग्य मिला। देखिए, इसको मड हाउस कहते हैं। काफी अच्छा लग रहा है भीड़ भरी जिंदगी से दूर सुकून के कुछ पल परिवार के साथ, अपने आप के साथ। काफ़ी दिनों के बाद अगर शहर की ज़िंदगी से थक कर अगर आप ऐसे किसी माहौल में जाते हैं जहां का स्वच्छ वातावरण हो, जहां की सुबह बड़ी अच्छी हो और शाम हसीन हो रात तारों की छांव के नीचे, दोस्तों आने वाले नए वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चलते हैं आगे के वर्चुअल टूर पे और शेयर करवाते हैं आपको सुंदरबन की। तो बने रहिए वीडियो में मेरे संग और एंजॉय कीजिए, आनंद उठाएं इस वर्चुअल टूर का। सुंदरबन के ऑलमोस्ट सभी आइलैंड टापू पर मोबाइल नेटवर्क अच्छा है। ज़्यादातर लोगों को सुंदरबन इतना सुंदर लगा कि वो अपने परिवार के साथ दोबारा आना चाहेंगे सुंदरबन। जब आप सुंदरबन का भ्रमण करेंगे ना तो यहाँ का बंगाल का पारंपरिक भोजन ही मिलेगा आपको, जिसका आप आनंद उठाएंगे नाव के ऊपर, किसी जेटी के ऊपर। बड़ा आनंद आएगा आपको, चाहे वहाँ की चाय की चुस्कियाँ लेना हो, सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का भोजन या रात्रि का भोजन, दोस्तों के साथ अपने परिवार के साथ ये लुत्फ आप कभी नहीं भूल पाएंगे। सुंदरबन लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा पानी और मैनग्रोव फॉरेस्ट का है। इस मैनग्रोव फॉरेस्ट के होने के वजह से यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं जो कि काफ़ी आक्रामक होते हैं और नर पक्षी होते हैं। सुंदरबन का रहने वाला ये व्यक्ति बता रहा है, कल यहाँ पर एक रॉयल बंगाल टाइगर ने दो व्यक्तियों पर आक्रमण किया। एक को तो उसने वहीं चोटिल किया और दूसरे को लेकर वो फॉरेस्ट के अंदर ले गया। बड़ा जोखिम भरा होता है यहाँ के लोगों का जीवन, क्योंकि जीने के लिए पानी चाहिए। पानी यहाँ नमक भरा हुआ होता है, बारिशों के पानी पर इनको डिपेंड रहना पड़ता है। दोस्तों अगर आप सुंदरबन का कभी टूर प्लान करते हैं तो सबसे पहले आपको कोलकाता आना पड़ेगा और कोलकाता से सुंदरबन की दूरी मात्र 100 किलोमीटर के आसपास है। कोलकाता से पहले आप गौदखाली या नामखाना, यहाँ से आप जेटी ले सकते हैं। सबसे बेस्ट है आप किसी ऑथराइज एजेंट से अपना टूर प्लान कीजिए जो 4,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक में आपका रहना, खाना पीना जेटी में सारा इंक्लूड कर देता है। सुंदरबन घूमने का
सबसे बेस्ट जो सीजन है वो सर्दियों का है। आप किसी टापू पे एक छोटी सी नाव के द्वारा भ्रमण के लिए निकलते हैं तो वहाँ कई तरह के आपको पक्षी दिखाई देते हैं और रात को आकाश के सारे तारे इस जमीन पे इस पानी में ऐसे नज़र आते हैं कि जैसे अनगिनत जुगनू इस पानी के अंदर चल रहे हों। देश विदेश से हर साल अनगिनत पर्यटक यहाँ आते हैं और सुंदरबन का लुप्त आनंद उठाकर जीवन भर के लिए ये यादें से यूज कर ले जाते हैं। सुंदरबन है इतना खूबसूरत। सुंदरबन के जितने टापू है यहाँ का जल स्तर हाई टाइड होता है तो यानी जल स्तर बढ़ जाना, लो टाइड यानी जल स्तर का कम हो जाना। दिन में 3 बार ये चरण बदलते रहते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को। इस वक्त ये सुबह की बात है तो ये हाई टाइड है, जल स्तर बढ़ा हुआ है। दोपहर को ये जल स्तर कम हो जाता है, लो टाइड, और शाम को वापस जल स्तर बढ़ने लग जाता है। जब जल स्तर बढ़ता है तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जितने हैं ये देखिए जलमग्न हो जाते हैं। गाइड हमें बता रही है इस सुंदरबन के जंगलों की वजह से यहाँ से निकली हुई ऑक्सीजन कलकत्ता वालों की लाइफलाइन है। देखिए है ना ताजुब की बात। और इस फॉरेस्ट की वजह से आने वाले समुद्री बड़े बड़े साइक्लोन से ही कलकत्ता वालों को बचाती है। सुंदरबन में रहने वाले लोगों का जीवन बड़ा जोखिम भरा होता है, कभी तूफानों से, कभी जंगली जानवरों से, यानी संघर्ष रात और दिन इनके लिए है। काफी गरीबी है यहाँ पे। और काफ़ी घूमने के बाद एक टापू पे हमें यह मगरमच्छ दिखाई दिया जो मिट्टी में सना हुआ था। ये देखिए पानी का सफर करते करते अब हम एक टापू पर जा रहे हैं जो ये स्काई वॉक है। यहाँ पर टाइगर रिजर्व है और हम ये आनंद ले रहे हैं स्काई वॉक का, जो काफ़ी सुरक्षित तरीके से बनाया हुआ है ताकि कोई जंगली जानवर हम पर आक्रमण ना कर दे। जाल से घिरे हुए हैं। ऐसे समुद्री नज़ारे या तो हम कभी हॉलीवुड की फिल्मों में देखते थे या फिर इन दिनों बॉलीवुड की फिल्मों में, पर मैं आपको ये वर्चुअल टूर के जरिए ये नज़ारा दिखा रहा हूँ।
और देखिए अब ये दोपहर का टाइम है, जल स्तर काफ़ी कम हो गया है जिसे लो टाइड कहते हैं, और सुबह ये सारा का सारा टापू जलमग्न हो रखा था। ये देखिए दूर हिरण के बच्चे दिखाई दे रहे हैं और हिरण का परिवार है, बस इसको खतरा है तो सिर्फ टाइगर से। अब समय था सुंदरबन को अलविदा करने का। वो यादें मैं कभी नहीं भूल सकता, पर कुछ यादों को समेटे हुए अब कैमरे में वापस जा रहे हैं, एक दूसरे नज़ारे, एक दूसरी मंजिल। तो टाटा बाय बाय करते हैं सुंदरबन, और ये आखिरी के कुछ पल हमेशा याद रखें आप भी और मैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे, पसंद आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए।